चलिए अब बात कुछ और खबरों की करते हैं। सीरिया से एक बार फिर से झंझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। बताते हैं यहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई, इस बीच मलबे में फंसी एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया। ये बच्ची बमबारी की वजह से दीवार ढहने से उसके नीचे दब गई थी। एयर स्ट्राइक के बीच बच्ची का रेस्क्यू, मलबे में दब गई थी मासूम, बमबारी के बीच बचाई गई जिंदगी। सीरिया से आई इस तस्वीर ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सीरियाई सेना और उनके रूसी सहयोगी उत्तर पश्चिमी सीरिया में अंति विपक्षी गढ़ों को निशाना बनाकर हवाई हमले कर रहे हैं। ऐसे ही एक हवाई हमले के दौरान पिंक ड्रेस में दिखाई दे रही ये मासूम दीवार ढहने के बाद उसके मलबे के नीचे दब गई थी, जिसके बाद इसकी मदद के लिए व्हाइट हेलमेट नाम का सिविल डिफेंस ग्रुप पहुंचा। तस्वीरों में देखा जा सकता है मासूम के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह मलबे के नीचे दबा हुआ है और वो दर्द से कराह रही है। इस दौरान व्हाइट हेलमेट के लोग इसे यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्ची इस कदर फंसी हुई है कि उसे निकाल पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसी जद्दोजहद के बीच एक बार तो पास ही एक धमाका भी होता है, लेकिन लोग हार नहीं मानते और एक बार फिर बच्ची को यहां से निकालने का काम शुरू होता है। काफी कोशिशों के बाद इनकी मेहनत रंग लाती है और इस मासूम को मलबे से निकाल लिया जाता है। टीम न्यूज़ नेशन।